Hello everyone. So my name is Amit and I'm here from Tax for Wealth. Personal finance, investing और real estate से जुड़े fundamental and concepts को easiest possible way में explain करने के लिए हम लेकर के आते हैं videos. तो आज का जो topic है वो है कि कौन सी वो habits या आदतें हैं जिन्हें हमें अपने अंदर develop करने की जरूरत है एक शानदार, बेहतर और सुलझी हुई जिंदगी जीने के लिए. कहते हैं first we make our habits, then our habits makes us. तो चलिए समझते हैं कौन सी वो आदतें हैं जिन्हें हमें develop करना है. So habit number one, ऑलवेज रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग. यानी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च जरूर जरूर कर लें. भले ही कितना भी बड़ा ब्रांड, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, उसकी रिसर्च जरूर करें. कई बार ऐसा होता है कि किसी की कॉल, टिप या रिकमेंडेशन के बेसिस पे हम इन्वेस्ट कर देते हैं. कभी कभार उसमें कुछ प्रॉफिट्स भी हो जाते हैं, बट लॉन्ग रन में ये इनकरेक्ट है, फंडामेंटली इनकरेक्ट है और ये आपको लॉसेज में लेकर के जा सकता है. किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को कैसे रीड किया जाता है ये हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे. फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि कौन सी वो मोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले. तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर देख लें कि कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, पास्ट ईयर के डिविडेंड्स कितने हैं, प्रॉफिट्स कितने हैं, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू तो नहीं है. कुछ रेशियोज भी चेक कर लें जैसे डेट इक्विटी रेशियो या पी रेशियो. और अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, आपको फंडामेंटल्स की इतनी अच्छी समझ नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको मार्केट के रेट से बेटर रिटर्न्स मिले, तो इट्स एडवाइजेबल कि आप म्यूचुअल फंड या एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट करें. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ये आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स ना दें, लेकिन इतना तो श्योर है कि मार्केट के रेट से आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे. चलिए दो एग्जांपल्स के बेसिस पे समझते हैं कि बिना रिसर्च किए हुए अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो कितने बड़े या कितने ह्यूज लॉसेस में जा सकते हैं. दो एग्जांपल्स हैं यस बैंक के और डीएचएफएल की. शुरू करते हैं यस बैंक से. तो कहानी शुरू होती है कुछ 7 महीने पहले, यानी फरवरी 2019 में. यस बैंक स्ट्रगल कर रहा था, इसके शेयर्स 400-450 से घट करके फरवरी तक 160-170 के आसपास में आ चुके थे और लोगों को लग रहा था कि अब वो पोजीशन आ गया, अब इससे नीचे नहीं जा सकती है. और शेयर्स रुक भी गए 170 के आसपास में जाने के बाद. फिर शेयर्स ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू हुए और 160 से बढ़ करके ये अप्रैल 2019 आने तक 260 के हो गए. यानी 160 से बढ़कर के 260, यानी तकरीबन 62% का इंक्रीज. जब शेयर्स के प्राइस 260 के आसपास में हो गए तो लोगों को लगा ये शेयर तो हाईली अंडर वैल्यूड है. यानी ये 400 वाला शेयर अगर 260 रुपए में मिल रहा है तो फटाफट इन्वेस्ट कर देते हैं. रिसर्च के बिना एनपीएस को चेक किए हुए लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर डाली. अप्रैल 2019 के बाद में आज आ चुके हम सितंबर 2019 में और 260 वाला शेयर आज हो गया है 50-55 रुपए का. सो 260 वाला शेयर अगर 50-55 का हो जाता है तो ये हो गया आपके वेल्थ में 78%, यानी ऑलमोस्ट 80% का डिक्रीज. चलिए एक रिवर्स ऑर्डर में इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फिर से ये 50 रुपए वाले शेयर 250 या 260 के आसपास में जा सकता है, और अगर जा सकता है तो कितने परसेंट इंक्रीज लेकर के आना होगा अपने शेयर प्राइसेस में. सो जब ये शेयर 250 या 60 से घट करके 55-57 रुपीज तक जाता है तो ये डिक्रीज है 78% का. लेकिन फिर से 57 रुपीज से बढ़ करके 260 रुपए का होने में इसे 356% का इंक्रीज लेकर के आना होगा, जो कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन और बियॉन्ड इमेजिनेशन है. दूसरा एग्जांपल है डीएचएफएल, यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. ये शेयर एक साल पहले ट्रेड हो रहे थे 650, यानी सितंबर 2018 में ये शेयर ट्रेड हो रहे थे 650 के आसपास में, और सितंबर 2019 आने तक ये शेयर हो गए हैं 47 रुपीज के. सोचिए कितना ड्रास्टिक फॉल है. सो अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहें, सो 650 रुपीज से घट करके 47 रुपीज का हो जाना 98%, यानी ऑलमोस्ट 100% का डिक्रीज है. अब इसी चीज को अगर रिवर्स ऑर्डर में समझते हैं कि क्या फिर से इसे 47 रुपीज से बढ़ करके 650 हो जाने में कितने परसेंट इंक्रीज की जरूरत होगी, तो 47 रुपीज से फिर से 650 रुपीज का होने के लिए इसे 1280% का इंक्रीज की जर्नी ट्रेवल करनी पड़ेगी, जो अगेन प्रैक्टिकली इंपॉसिबल या नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है. इंक्रीज और डिक्रीज का ये जो मैथ्स है बहुत कमाल का है. एक सिंपल मैथ्स के एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेते हैं. सो लेट्स से कि एक कंपनी है जिसके शेयर 100 रुपीज के ट्रेड कर रहे हैं. शेयर के प्राइसेस गिरने शुरू होते हैं और 100 रुपीज से घट करके 50 रुपीज का हो जाता है. सो अगर परसेंटेज के टर्म्स में आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपए का शेयर अगर 50 रुपए का हो जाता है तो ये 50% का डिक्रीज है. लेकिन
₹50 से फिर से ₹100 का होने के लिए इसे 100% का इंक्रीज लेकर के आना होगा अपने प्राइसेस में। सेम यही फंडा अप्लाई होता है बाकी शेयर प्राइसेस में भी। सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च जरूर कर ले, वरना बहुत बड़े लॉसेस में जा सकते हैं। आते हैं अपने दूसरी हैबिट पे। सो आई पर्सनली रेकमेंड कि डू शेयर योर पासवर्ड्स। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि नेवर शेयर योर पासवर्ड्स, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप अपने ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ अपने फाइनेंशियल प्लान या फाइनेंशियल डिटेल्स जरूर शेयर करें। रिसेंटली मेरी जानकारी में एक इंसिडेंट सामने आया जिसमें हस्बैंड वाइफ कहीं ट्रेवल कर रहे थे, एक्सीडेंट होता है और हस्बैंड की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट था। तो जैसा कि बहुत सारे इंडियन फैमिलीज में होता है कि घर के पैसे की जिम्मेदारी या इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी घर के मेल मेंबर्स, मे बी योर फादर या मे बी योर हस्बैंड, ये लोग संभालते हैं, वैसा ही इस केस में भी था। घर की तमाम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जिम्मेदारी हस्बैंड के पास थी। वाइफ जो कि पढ़ी लिखी भी थी, फाइनेंस की अच्छी नॉलेज भी थी, बट उसने कभी पूछना जरूरी नहीं समझा और हस्बैंड ने कभी बताया नहीं। सो वो पैसे जो हस्बैंड ने अपनी फैमिली के लिए सेव कर रखे थे, कहां कहां सेव कर रखे थे, ये डिटेल उसने अपने फैमिली से शेयर नहीं करी थी। और उनके जाने के बाद उनकी फैमिली उनके ही सेव किए पैसे तरीके से यूज नहीं कर पा रही है। सो इट्स माई पर्सनल सजेशन कि आप एक एक्सेल शीट मेंटेन करें जिसमें आप ये मेंशन करें कि आपने कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कौन कौन से इंश्योरेंसेस ले रखे हैं, कौन से टर्म प्लान्स या कौन से लाइफ इंश्योरेंसेस ले रखे हैं, अपने डिपॉजिट्स कौन कौन से बैंक अकाउंट में डाल रखे हैं, ये जरूर मेंशन करें। ऑफ कोर्स इस एक्सेल शीट को आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखना है, और जिसका पासवर्ड आप अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन, मे बी योर स्पाउस, मे बी योर पेरेंट, जो कोई भी हो उससे शेयर करें। सो दैट भगवान न करे कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आपकी सेविंग्स जो आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कर रखा है वो उस चीज को यूटिलाइज कर सकें। आप इस इन्वेस्टमेंट वाली एक्सेल शीट को अपने घर के किसी लैपटॉप या पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। फोन में सेव करना रेकमेंडेबल नहीं है क्योंकि फोन चोरी हो सकता है और इसका डेटा मिसयूज किया जा सकता है। सो आप घर में अपने लैपटॉप या पेन ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं। एडवाइस नंबर 3, स्टार्ट सेविंग। जनरली एक एवरेज इंडिविजुअल 24-25 साल पे कमाना शुरू कर देता है और शुरू के कुछ साल 5-7 साल वो अपनी शौक की चीजें पूरी करता है, सेविंग पे ज्यादा फोकस्ड नहीं होता है। और बाय लेट यानी जब तक वो 30-35 के आसपास में पहुंचता है तब उसे रियलाइज होता है कि यार शुरू के कई साल तो मैंने सेविंग करी ही नहीं और एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक 24-25 साल का कमाने वाला बंदा अगर शुरू से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है और वो भी छोटी से इन्वेस्टमेंट, तो 10 साल बाद कितना बड़ा कॉर्पस हो जाता है, 15 साल बाद कितना बड़ा यह फंड होता है और 20 साल बाद कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है ये छोटी सी सेविंग। सो लेट्स से एक एवरेज इंडिविजुअल 24-25 साल पे कमाना शुरू करता है और हर महीने 5,000 रुपीज सेव करता है, हर महीने 5,000 रुपए यानी साल के 60,000 रुपए। और मान लेते हैं कि उसको इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी समझ भी नहीं है, कहां इन्वेस्ट करना कुछ भी नहीं पता है, तो भी उसे इतना तो पता ही होगा कि पीपीएफ अकाउंट होता है जो कि एवरेज 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। फिलहाल 7.9 रेट ऑफ इंटरेस्ट है पीपीएफ अकाउंट का। सो इसी रेट को हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स से कि 5,000 की मंथली सेविंग करता है, 7.9 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और 10 सालों तक अगर इस सेविंग को कंटिन्यू करता है तो 10 साल बाद ये अमाउंट, ये कॉर्पस हो जाता है 9,82,000 के आसपास, यानी तकरीबन 10 लाख के आसपास। पीपीएफ अकाउंट जो कि 10 साल नहीं बल्कि 15 साल तक कैरी करना पड़ता है, तो लेट्स से कि अगर 15 साल तक वो कंटिन्यू करता है 5,000 रुपए डिपॉजिट करना, तो कितना बड़ा कॉर्पस हो जाता है। सो 15 इयर्स में इस 5,000 की मंथली कंट्रीब्यूशन बड़ी होकर के 17 लाख की हो जाती है। और थोड़ा और पेशेंस रखते हैं, थोड़ी और सेविंग को लेकर के जागरूकता रखते हैं और 20 सालों तक के लिए अगर हम कंटिन्यू करते हैं 5,000 रुपए का महीने का कंट्रीब्यूशन है सेविंग, सो 20 साल बाद ये फंड तैयार होकर के हो जाता है 28,53,000 रुपए। है ना कमाल की सेविंग। सो ये है मैजिक कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग गजब के रिटर्न्स देता है बशर्ते कि आप इन्वेस्ट करना या सेव करना शुरू करें। तो चलिए समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हैबिट्स हैं जिन्हें हमें अपने अंदर डेवलप करना है। सो हैबिट नंबर 1, Always research before investing. Habit number 2, please share your password with your trustworthy persons. And habit number 3, start saving the early you can. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, हम अवेलेबल हैं Amazon Fire TV, YouTube, Android और ऑफ कोर्स हमारा वेब पोर्टल तो है ही। तो जब तक हम किसी और नए वीडियो के साथ आते हैं तब तक आप यूं ही कमाते रहें, बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू।